हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज जो है इसी कार्डिगन की नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, जिसमें जो है गले की कटिंग कैसे की जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी, और गले के फंदे हमने कितने उठाने हैं, ये सारा जो गले का पोर्शन है मैं एक ही वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए, बटन होल वाली पट्टी है तो यहाँ पे मैंने बटन होल रखा है। एक बटन होल में जहाँ पे गले जब गला हम फंदे उठाएंगे तो उसमें गला बनाएंगे, तो उसमें एक बटन होल हम जरूर बना करके रेडी करेंगे, क्योंकि गोल गला है तो इस बटन पट्टी को भी मैं गले के साथ बनाऊंगी। तो कैसे बनाएंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगी, सबसे पहले इस गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग करने के लिए देखिए, यहाँ पे आर्म होल की कटिंग की है मैंने 3 2 1 की, तो 6 फंदे हमारे यहाँ पे काम हो गए हैं। तो अब आपने देखना है कि 15 फंदे मैंने शोल्डर पे रखने हैं, 15 फंदे शोल्डर पे रख के कितने फंदे हमारे यहाँ पे बचेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, यहाँ तक हमारे जो है 15 फंदे हो गए हैं। अब 15 फंदों को छोड़ करके हमने गले की कटिंग के देखने हैं फंदे हमारे पास कितने हैं। देखिए, 2 4 6 8 10 फंदे हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमने 4 फंदे कटाने हैं। बटन पट्टी के फंदों को हम एज इट इज रहने देंगे, इनमें हमने जो है गला जो है कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हमने 4 फंदे यहाँ पे घटाने हैं, 4 के बाद हम 3 फंदे घटाएंगे, उसके बाद 2 फंदे घटाएंगे, उसके बाद 1, मतलब कि 4 3 2 1 की कटिंग हमारी गले की हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बटन पट्टी के फंदों को तो हमने ऐसे ही बुन लेना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 फंदे घटाने हैं। देखिए इस तरह से, 1 2 3 4, 4 फंदे हमने घटा लिए, बाकी फंदे सारे वैसे ही बुनेंगे, सीधा और उल्टा, उल्टी सिलाई भी सीधी उल्टी पूरी बुनेंगे यहां तक। तो सारा मैं आपको बता देती हूँ एक बार बुन करके, 4 3 2 1 की कटाई करने के बाद हमने वहां तक बुनना है जब तक हमारे आर्म होल की लेंथ पूरी नहीं हो जाती। इस तरह से देखिए, पूरा हमने आर्म होल तक बुन लिया, इसके बाद पूरी एक सिलाई हम उल्टे फंदों की बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने गला जो है घटाया है, वहां तक फंदे उल्टे बुन करके कंप्लीट करेंगे। मोटी बूल है तो इसका थोड़ा सा जो है अलग ही रहता है अपना हिसाब। इस तरह से यहां पे हमने 4 फंदे घटाए थे, ये देखिए यहां पे 4 फंदे घटाए थे, तो एक हमने बुन लिया। इस फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, यहीं से वापस जाएंगे, बटन पट्टी के फंदों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये स्लिप किया हुआ फंदा भी हम ऐसे लेंगे और दूसरा बुना हुआ भी हम ऐसे ही लेंगे। फिर हम 3 फंदे घटाएंगे, देखिए, 1 2 और ये 3, 3 फंदे घटा लिए। अब हम बाकी सिलाई पूरी सीधी बुनेंगे। नेक्स्ट हम 2 फंदे घटाएंगे, उसके बाद हम 1 फंदा घटाएंगे इसी तरीके से। अब देखिए, उल्टी सिलाई फिर से पूरी हमने उल्टी बना ली, 1 फंदा हमने ऐसे ही स्लिप किया। इसे स्लिप किए हुए फंदे को ऐसे बनाएंगे और इसे उतार के 1 2, अब 3 4 3 2, फिर हमने 1 फंदा और घटाना है, बाकी सिलाई पूरी और उल्टी तरफ से, उल्टी और सीधी तरफ से सीधी। अब यहाँ पे 1 फंदा और घटाएंगे तो उसके बाद हमारे जो है गले की कटिंग कंप्लीट होगी। अब हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15, 15 फंदे हमारे शोल्डर के हैं। अब इन्हीं फंदों को लेकर हमने तब तक बुनना है जब तक हमारे आर्म होल की लेंथ जो है कंप्लीट नहीं हो जाती।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे गले की जो है कटिंग भी पूरी हो गई है और आर्म होल की कटिंग जो है इसकी लेंथ भी पूरी हो चुकी है। अब हमने इसको सिलना है, तो इसी धागे को जो है सिलाई में डालेंगे और बैक साइड का पोर्शन हम इस तरह से पकड़ेंगे। सुई के साथ हमने सिलना है, देखिए इस तरह से बैक साइड को पकड़ेंगे और इस तरह से, देखिए ये भी सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है, तो दोनों साइड जो है अंदर की तरफ उल्टी आएंगी। अब हमने इस तरह से इसको पकड़ना है ऐसे, जो पहला फंदा है वो हमें उल्टा है, इस तरह से हम इसे उतार लेंगे और इस तरफ से सीधा फंदा इस तरह से लेंगे और उल्टे को जो उतारा हुआ पहला फंदा है उसे हमने फिर से पकड़ना है कुछ इस तरह से और ऐसे दूसरा उतारेंगे, फिर यहां से लेंगे और इसे उतार लेंगे, फिर यहां से ये वाला लेंगे और इसे ऐसे उतार लेंगे इस तरह से, फिर ये वाला पकड़ेंगे और इसे उतारेंगे ऐसे, फिर ये वाला पकड़ेंगे और इसे उतार लेंगे, फिर ये वाला पकड़ेंगे और इसे उतार लेंगे, ये वाला पकड़ेंगे और इसे उतार लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे फंदे को सुई के साथ बंद कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कार्डिगन के जो शोल्डर हैं सुई के साथ बंद किए हैं। देखिए रॉन्ग साइड से ऐसे आएंगे, राइट साइड से ऐसे आएंगे, मतलब कि इसका सिला हुआ पता नहीं चलता है। तो गोल गला हमारा जो है कटिंग इस तरह से बन गई है। अब हमने यहाँ पे फंदे उठाने हैं, तो फंदे हम कैसे उठाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे फंदे उठाने, क्योंकि हमारे पास जो है ये बटन पट्टी के फंदे एज इट इज हमने रखे हुए हैं, इन्हें ही हम इस तरह से सिलाई में ले लेंगे और यहां से हम जो है फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे, यहां से इस तरह से। छह फंदे हमारे पास हैं, यहां से हम इस तरह से ऐसे हम एक एक चेन में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। तो सारे फंदे जब मैं उठा लूंगी फिर आपसे मिलती हूँ कि फिर मैं बताऊंगी आपको कितने फंदे हमने यहाँ पे उठाने हैं, क्योंकि मोटी वूल है इसका हिसाब थोड़ा अलग है। तो थोड़ा सा मैं फंदे उठा लेती हूँ फिर आपसे आगे मिलती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, यहां से मैंने गले के फंदे उठाए, यहां से ये बटन पट्टी के फंदे भी मैंने साथ बुने। यहाँ पे एक बटन होल, जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे मैंने एक बटन होल रखा है, क्योंकि बटन पट्टी पे भी यहाँ पे गले पे एक बटन होल होना चाहिए, तभी आपका जो बच्चे का गला है यहाँ पे बटन लगा के अच्छी तरह से बंद हो सकेगा। अब देखिए इसमें मैंने जो है मोटी बूल है, मैंने आपको बार बार बताया है, एक दो तीन चार पांच, पांच सिलाइयां मैंने इसमें सीधे और उल्टे का बॉर्डर बनाया है। इसमें फंदे कितने उठाए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 20 फंदे मैंने यहाँ से आगे से बनाए हैं प्लस बटन पट्टी के अलग से हैं, और 15 फंदे मेरे 15 या 17 फंदे जो है मेरे बैक साइड के हैं, 20 ही मेरे दूसरी फ्रंट साइड के हैं प्लस बटन पट्टी के अलग से हैं। तो 20 और 20 17 और बटन पट्टी के 12 फंदे, 6 और 6 इस तरफ से। तो इस तरह से आपने फंदे उठाने हैं, बैक साइड से थोड़े कम उठाएंगे, फ्रंट साइड से 5-5 या 7-7 फंदे हमने यहाँ से अलग से ज्यादा उठाने हैं, मतलब कि मोटी बूल है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ मोटी बूल्स में मैंने इतने फंदे उठाए हैं, अगर आपकी बारीक बूल है तो फंदे ज्यादा उठेंगे और जो है सिलाइयां भी बारीक लगेंगी। तो आप आ जाइए गले पे, जे मैंने जो है 1 2 3 4 5 सिलाइयां बना करके, 5 सिलाइयां उल्टा और सीधा, एक फंदा उल्टा एक सीधा बना करके, अब मैं डबल बॉर्डर बनाऊंगी इसमें। डबल बॉर्डर जो है सुई के साथ बंद करते हैं। डबल बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट रो है, उल्टा फंदा तो हमने इस तरह से बिना बुने लेना है, धागे को बैक साइड करना है, सीधा बुन के लेंगे, फिर धागा अपनी साइड उल्टा बिना बुने लेंगे और धागा बैक साइड सीधा बुन के लेंगे इस तरह से। फर्स्ट रो है, 2-3 सिलाइयां बना के हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से।
देखते हैं अगर एक सिलाई और बना करके इसे बंद कर सकते हैं, तो इसे एक सिलाई और बना करके बंद करेंगे। तो इस तरह से आपने बुनना है, सीधा फंदा जो है बुन के लेना है और उल्टा फंदा जो है बिना बुने लेना है। इस तरह से धागे को हमने आगे पीछे करते रहना है, बिना बुने लिया उल्टा धागा बैक साइड, सीधा बुन के, फिर बिना बुने लिया उल्टा धागा बैक साइड, फिर बुन के, फिर धागे को अपनी साइड करेंगे, बैक उल्टा फंदा बिना बुने लेंगे। इस तरह से हमने जो है दो तीन सिलाइयां बना लेनी। देखिए दूसरी साइड से दूसरी रो बना रही हूँ। दूसरी रो जो है हमने ये जो उल्टा फंदा है उसे हम बुनेंगे और सीधे को बैक साइड करके धागा बिना बुने उतार लेंगे। उल्टा बुना, इसे बिना बुने उतारा, उल्टा बुना, दूसरी साइड से सीधा है तो इस साइड से उल्टा आएगा, मतलब कि जो फंदा वहां से बुना है वो भी इस साइड से भी वो बुन करके आएगा। अगर सीधा है तो सीधा बुन के आएगा, अगर उल्टा है तो उल्टा बुन के आएगा। इस तरह से देखिए, ये बिना बुने लिया ऐसे और ये फंदा उल्टा है उसे बुन के लेंगे। ये बिना बुने इसे बुने, ये बिना बुने इसे बुन के। तो इस तरह से आपने जो है ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए इसमें जो है चार सिलाइयां मैंने बनाई हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक फंदा हमने जो बिना बुने लिया है वो इस तरह से आया है, देखिए अंदर की तरफ से इस तरह से, बाहर की तरफ इस तरह से। अब हम सुई के साथ इसे बंद करेंगे। सबसे पहला फंदा जो सीधा है उसे हम इस तरीके से उतार लेंगे, इस तरीके से ले लिया। अब ये जो फंदा है देखिए, ये फंदा सीधा है उल्टा है सॉरी, इसे हम इस तरह से उतारेंगे। तो स्टार्टिंग में इस तरह से करने के बाद ये फंदा जो उतारा हुआ है उसे इस तरह से लेंगे ऐसे सुई में, और अगले फंदे को ऐसे उतार लेंगे। देखिए अब इस फंदे को पकड़ेंगे और इस फंदे को साथ लेके ऐसे, फिर इस फंदे को पकड़ेंगे ऐसे इस तरह से और इसे लेंगे। सारे फंदे आपने एक एक करते हुए इस तरीके से सुई के साथ बंद कर देने हैं। इस तरीके से फिर बैक साइड से ये वाला फंदा दिख रहा है आपको, यहां से पकड़ेंगे और इस फंदे को ऐसे लेंगे इस तरह से, इस तरह से, फिर इसे पकड़ेंगे और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, फिर इस फंदे को पकड़ेंगे और ऐसे। तो देख सकते हैं आप हमारा जो है डबल बॉर्डर इस तरह से बंद हो रहा है। इस तरह से करते हुए हमने सारा बॉर्डर अपना बंद कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक एक फंदा करके हमने यहाँ पे बंद किया है। तो इस तरीके से हमने डबल फंदे जो है डबल गला इस तरह से बंद करना है, इस तरह से हमने अंदर की तरफ करना है धागे को और इसे यहां से काट देंगे और हमारा डबल बॉर्डर जो है बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है हमारा बच्चे के गले का, ये देखिए कार्डिगन का गला, बच्चे की कार्डिगन का गला जो है बिल्कुल परफेक्ट शेप में जो है इसका गला बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन होल ये आया है और ये बाकी हमारे सेम डिस्टेंस में हमने बटन होल बनाने हैं। और गले की कटिंग आपने जैसे कि मैंने आपको बताया है करके वैसे ही सेम करेंगे तो आपकी जो है गला कार्डिगन का बहुत ही प्यारा सा बनेगा। देखिए ये बैक साइड है, देखिए आप देख सकते हैं, और ये इसकी फ्रंट साइड है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए स्मार्ट निटिंग चैनल और जेके निटिंग चैनल। अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, तभी आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकती है। तो मिलते हैं इसी की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।